नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आशु टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको प्लेट रोलिंग करके पाइप कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो नए जुड़े हैं इस वीडियो पे, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँचे। मैं आज आपको प्लेट रोलिंग करके पाइप कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, सपोज एक 1000 mm OD का पाइप है, जिसकी लेंथ 2000 mm यानी कि 2 मीटर है, और प्लेट थिकनेस 20 mm, यानी कि इस प्लेट की थिकनेस 20 mm है, पाइप की थिकनेस, वॉल थिकनेस 20 mm है। तो कैसे रोलिंग करते हैं इसको? प्लेट रोलिंग फॉर्मूला, दोस्तों मैंने ऊपर भी लिख दिया है, प्लेट रोलिंग फॉर्मूला। तो CF, दोस्तों आप जानते हैं CF क्या होता है? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। CF यानी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता परिधि। एक पाइप होता है, ये सपोज सामने से देखते हैं हम पाइप को, ये पाइप हमने सामने से देखा है, तो परिधि बोलते हैं। इंची टेप आपने यहाँ से लगाया और ऐसे ऊपर ओडी पे घुमाते 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 फिर यहाँ ले आए, तो उसको जो मेजर जो आता है उसको बोलते हैं CF, यानी कि सरकमफेरेंस परिधि, आपने पढ़ा भी होगा कहीं। तो फ्रेंड्स, हमें 1000 डाई का पाइप बनाना है, तो प्लेट कितनी लंबी लें कि उसको रोल करके 1000 आ जाए, डाई का पाइप बन जाए। तो इसका CF, 1000 का CF जो आता है वो कैसे निकालते हैं? तो 1000 × 3.14 यानी कि पाई का मान आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका CF आ जाएगा, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका CF आ जाएगा इतने mm। आप यहाँ से इंच टेप लगाओगे, ऐसे घुमा के वापसी लाओगे तो इंच टेप में 3140 mm आ जाएगा लिखा होगा। दोस्तों, तो कितनी लंबी प्लेट लें कि हमारा पाइप 1000 डाई का बन जाए? सपोज ये प्लेट है जिसकी थिकनेस, मोटाई प्लेट की 20 mm, और लंबाई यानी कि चौड़ाई, प्लेट की चौड़ाई 2 मीटर, यानी कि इस प्लेट की लंबाई, ये बैरल हमारा 2 मीटर चौड़ा है, लंबाई बोल दो या चौड़ाई बोल दो, 2 मीटर चौड़ा है ये बैरल है हमारा यहाँ पे 2 मीटर का, यानी कि इस बैरल की ऐसे चौड़ाई 2 मीटर है, 2000 mm, mm में बोल दो या मीटर में बोल दो, मीटर में 2 मीटर और mm में 2000 mm। ये वाली प्लेट है यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन डाया कैसे बनाए? ये डाया है, इसमें कितनी प्लेट लगेगी? तो वो प्लेट लेनी है हमें। दोस्तों, 2000 ये वाला नहीं, ये वाली है, वो प्लेट की चौड़ाई ये वाली, वो ये है। ये तो प्लेट की लंबाई हमें निकालनी है कि कितनी लंबी प्लेट लगेगी। तो कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला। फॉर्मूला फ्रेंड्स, पाइप का डाया 1000 mm, तो इसमें से पाइप का डाया, याद रखो डाया OD है, तो इसमें से माइनस कर दो 20 mm प्लेट की थिकनेस, एक प्लेट की थिकनेस, तो कितनी आ गई? 980 mm।
जब 980 mm आ जाए तो इसमें आप पाई इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पाई, पाई का मान होता है आपको पता है 3.14, ये पाई का मान होता है। तो कैलकुलेटर से 980 इंटू पाई, पाई का मान होता है 3.814, तो 3077.2 mm, इतनी लंबी आपको प्लेट लेनी पड़ेगी, यानी कि इसको 3 m 77 mm आपको लंबी प्लेट लेनी पड़ेगी। जब आप उसको रोलिंग करोगे तो उसका डाया 1000 mm बन जाएगा और 2 m चौड़ाई की। दोस्तों ऐसे निकालते हैं। अगर कोई आपसे दूसरा कोई कहे कि पाइप की ओडी, ओडी नहीं आईडी, ये भी 2000 mm ही है, इसकी आईडी अंदर की, दोस्तों याद रखना आईडी सपोज 1500 है, ये ओडी है, ये आईडी है, ओडी आउटर डायमीटर, आईडी इनर डायमीटर। दोस्तों ये ओडी है, ओडी का मतलब होता है आउटर डायमीटर और आईडी का मतलब होता है इनर डायमीटर, यानी कि अंदर से अंदर उसको बोलते हैं। तो अंदर से अंदर ये 1500 है, ये हमने बाहर से बार बार नापा था, ये अंदर से अंदर है। तो अंदर से अंदर कैसे लेते हैं प्लेट की लंबाई, देखो तो इसका भी फॉर्मूला है, ये भी 20 mm थिकनेस की है, थिकनेस 20 mm। तो फॉर्मूला है दोस्तों, ये नंबर 2 है, वो नंबर 1 था। तो इसमें क्या होता है 1500 है दोस्तों, इसमें थिकनेस जुड़ती है प्लस ऐड हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि 1520, उसमें माइनस हो गई थी 20 mm क्योंकि हम डाई पैसा नाप रहे थे, इसमें प्लस होएगी क्योंकि हम आईडी से नाप रहे हैं। तो इसमें एक एक तरफ की थिकनेस 20 mm प्लस ऐड हो जाएगी, तो 1520 mm। इसका सीएफ निकाल दो, 1520 mm इंटू 3.14, तो 1520 इंटू 3.14 4772 बस। दोस्तों इस तरह से प्लेट की लंबाई निकालते हैं, यानी कि ये प्लेट हमें 4 m 772 mm की चाहिए, इस तो आपका 1500 डाई का पाइप बन जाएगा। ऐसे 1000 वाला होता तो आपको 1000 - 20, तो 1000 = 1020 इंटू 3.14, तीन मीटर 202, इतनी लंबी आपको प्लेट लेनी पड़ती है अगर वो कहता कि आईडी 1000 mm है आईडी, तब आपको 3 m 202 लंबी प्लेट लेनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है आउटर डायमीटर 1000 है, तो आपको 3 m 77 mm प्लेट लेनी पड़ेगी। दोस्तों मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है, अगली वीडियो मैं आपको पीसीडी के बारे में बताऊंगा कि सर्किल पे होलो की पीसीडी कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, कि ये होल हैं, सपोज ये होल है,
तो यहाँ से यहाँ तक मापने के लिए कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।